हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप स्टिक मोप लेने के बारे में सोच रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, मार्केट में इतनी तरीके के मोप आ गए हैं, सो आपको अगर बेस्ट चूज़ करना है तो आज का वीडियो उसी बारे में है। आज मैं लाई हूँ जो कि ज़्यादातर घरों में यूज़ होते हैं, वो दो तरीके के मोप, और इनमें से मेरा फेवरेट कौन सा है वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगी फ्रेंड्स। और दोनों की अपने अच्छाई और बुराई है, सो वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको एंड में डिसाइड करने में ईजी रहे। सो चलिए वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। तो ये दो तरीके के मोप है मेरे पास। एक तो मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं, और ये मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है। और इस पे देखिए, इसकी स्टिक पे ये माइक्रोफाइबर का क्लॉथ लगा रहता है इस तरीके से पट्टा। तो चलिए देख लेते हैं इसे यूज़ कैसे करना है हमें। सो इस तरीके का बकेट आता है फ्रेंड्स, इसमें ये दो कंपार्टमेंट बने हुए हैं, जिसमें एक में हमें पानी भर लेना है और जो भी आप लिक्विड यूज़ करते हैं उसमें आपको डाल देना है। ढक्कन को हमें अच्छे से लगा देना है, उसके बाद मोप को पानी वाले पार्ट में हम डिप करेंगे और उसके बाद यहाँ पर दूसरे वाले पार्ट में स्लाइडिंग करेंगे, ताकि जिससे एक्स्ट्रा पानी जो भी है वो निकल जाए। ये मोप की अच्छी बात यह है फ्रेंड्स कि ये काफ़ी लाइट वेटेड है और इसको यूज़ करना काफ़ी ईजी है। साथ में ये सभी कॉर्नर्स में ईजिली पहुँच जाता है, कॉर्नर की सफाई इससे बहुत ही अच्छे से हो जाती है। साथ ही आपके जो फर्नीचर है इसके नीचे भी ये ईजिली चला जाता है, सो यहाँ पर भी क्लीनिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है इस तरीके का मोप। क्योंकि ये मोप एक ही हाथ से यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इस तरीके से भी इसको काफ़ी बार यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से सिर्फ आपको चलते जाना है और देखिए कितना इजीली आपका मोप हो जाता है। और जिसका घर बहुत ही बड़ा है, स्पेशियस है, उसके लिए तो ये मोप बेस्ट है। फ्लैट होने की वजह से इससे अच्छे से पोछा लग जाता है, तो देख सकते हो आप कितना क्लीन हो गया है ये। बट इसके लिए आपको झाड़ू अच्छे से लगाना है फ्रेंड्स। अगर आपने झाड़ू थोड़ा भी अच्छे से नहीं लगाया तो सारा डस्ट जो होता है इसके साथ में साइड में आता रहता है। इसके पैड को चेंज करके आप ड्राई क्लीनिंग के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने निकाल दिया है वेट वाला और ये वाला मैंने इसको अब लगा दिया है। इसको निकालना और लगाना भी बहुत ईजी है। इसमें पीछे वेलक्रो लगा हुआ है जिसकी मदद से ये चिपक जाता है, और देखिए ऊपर का जो एरिया होता है उसको भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको गीला करके भी क्लीन कर सकते हैं, या फिर आपको अगर ड्राई करना है तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इससे वॉल पॉल सीलिंग सब अच्छे से क्लीन हो जाता है। साथ ही हमारे वॉल के जो बॉर्डर्स होते हैं इसको भी आप अच्छे से क्लीन कर सकते हैं इससे इजीली। और एक बेस्ट बात मुझे इस मोप की लगती है फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा गीला पोछा मारना है तो इसको आप सिंपल पानी में डिप करें और इस तरीके से पानी इसमें से टपकता रहेगा, तो साइड में जहाँ भी आपके दाग धब्बे हैं वहाँ पर आप पानी को डाल दें, और उसके बाद फिर से इसको अच्छे से पानी निकाल के एक बार पोछेंगे तो सारे दाग धब्बे जो अगर गीले हैं कहीं तो वो ईजीली निकल जाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा दाग धब्बा लगा था मुझे, तो मैंने यहाँ पर पहले पानी डाल दिया थोड़ा सा और उसके बाद मैं रगड़ के निकाल दिया, और उसके बाद मैं इसका पट्टा निकाल के भी आप इसको अच्छे से ब्रश की मदद से क्लीन करके सुखा सकते हैं। काफ़ी अच्छी बातें कर ली इस मोप के बारे में, चलिए अब इसकी थोड़ी सी बुराइयाँ भी सुन लेते हैं। सो इस मोप को यूज़ करने के लिए फ्रेंड्स हमें ना इसका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी को लेना पड़ता है बकेट में। अगर आपने थोड़ा भी पानी इसका कम लिया ना तो मोप अच्छे से डिप नहीं होता है इसमें, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ करके। देखिए इतना हिस्सा हमारा मोप का पानी में नहीं गया था, इसलिए आपको बकेट को हमेशा फुल करके ही इसको यूज़ करना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है फ्रेंड्स, इसका स्पेस काफ़ी कम होने की वजह से कई बार ये स्मूथली जाता नहीं है इसमें जल्दी से, थोड़ा सा हमें स्ट्रगल करना पड़ता है इस चीज़ के लिए। तीसरी बात जो मुझे इस मोप में नहीं पसंद है कंपेरेटिवली दूसरे वाले मोप से, कि इसमें व्हील्स नहीं है, तो हमें इसको इस तरीके से उठा के ही कैरी करके ले जाना पड़ता है कहीं भी। सो इससे पानी गिरने का काफ़ी चांसेस रहते हैं, और इस तरीके से पैर से भी हम आगे पीछे करेंगे तो भी गिरने के काफ़ी चांसेस रहते हैं। सो ये थोड़ा सा रिस्की है इसमें, तो इसको आपको हाथ से उठा के ही लेके जाना पड़ेगा हर जगह पे। साथ में इस मोप में दोनों तरफ से ड्रेनेज के लिए दिया हुआ है इस तरीके से, इसको आप निकालेंगे तो आपका सारा गंदा पानी जो है बाहर निकल जाएगा और आप इसको धो के रख सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट आता है इस तरीके का हमारा स्पिन मोप, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है घरों में। ज़्यादातर घरों में इसी तरीके के मोप का यूज़ किया जाता है। इसकी स्टिक में नीचे की तरफ माइक्रोफाइबर पैड लगा हुआ है, जिसको अगेन आप चेंज कर सकते हैं, जैसे लास्ट मूव में हमने किया था उसी तरीके से इसका भी चेंज हो जाता है। और इसका यूज़ करना भी बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। एक कंपार्टमेंट में आपको पानी डाल देना है और इसमें आप कम पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टिक को इस तरीके से आपको खोल के यहाँ पर इसको स्पिन करना है, और साथ में एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए साइड वाले इसमें डाल के आपको अगेन स्पिन करना है, सो इसका एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा निकल जाएगा।
और उसके बाद आपको इसको लॉक कर देना है अगेन, और फिर इसको पैर से इस तरीके से फोल्ड करके रेडी है ये क्लीन करने के लिए। सो इस मोप से फ्रंट क्लीन करने में मुझे ये दिक्कत आती है कि ये कॉर्नर तक नहीं जाता है, जो कॉर्नर में हमारी क्लीन करने के लिए रह जाते हैं, क्योंकि इसका शेप ऐसा है राउंड, तो ये कॉर्नर में अच्छे से नहीं जाता है। साथ ही इसका साइज़ ऐसा है कि ये फर्नीचर के नीचे भी इजीली नहीं जाता है, जहाँ पे कम गैप है उस जगह पे आप इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। बट इसकी अच्छी बात ये भी है फ्रेंड्स कि ऐसी जगहों पे ये इजीली चला जाता है जहाँ पे वो दूसरा वाला मूव नहीं जा सकता है। देखिए ये वाला मूव कितना ईजीली इसमें मूव कर रहा था, बट ये वाले मूव का अगर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे तो ये नहीं जाएगा। तो इसके साथ मुझे प्रॉब्लम आती है फ्रेंड, जब भी मैं इससे पोछा करती हूँ ना तो ये कई बार ये टेढ़ा हो जाता है और ये घूम जाता है, सो इसलिए काफ़ी दिक्कत होती है। साथ ही इसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे हमें मोप लगाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ऐसा मुझे लगता है, कंपैरेटिवली दूसरे वाले मोप के। और कई बार तो मुझे बैक पेन भी होने लगता है और इस तरीके से घूमते हुए हमें पोछा लगाना पड़ता है इसमें। बट इसमें अच्छी बात यह भी है कि इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं, जबकि दूसरे वाले को जो मैंने दिखाया है उसको इसमें एक्सटेंड का ऑप्शन नहीं है, और इसमें आप काफ़ी सारा एरिया कवर कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए तो आप दूर तक भी इसे मोप लगा सकते हैं, और इस तरीके से हटा के इसको चेंज भी कर सकते हैं नीचे का पैड, दूसरा पैड लगा के आपको इस तरीके से प्रेस कर देना पैर से और ये रेडी हो जाएगा क्लीनिंग के लिए। सो इससे आप लॉफ्ट की क्लीनिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं फ्रेंड, जो ऊपर वाला एरिया है इससे अच्छे से क्लीन नहीं होता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ये अजीब तरीके से घूम जाता है और इसका फ्लैट सर्फेस नहीं होने की वजह से अच्छे से चिपकता भी नहीं है। सो इससे मैं ऊपर की क्लीनिंग तो नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स, और साथ में इसमें कई बार क्या कितने सारे बाल वगैरह जो कचरा होता है ना हमारे घर में, वो इसमें अटक जाता है सब इसके धागों में, और जिसको निकालने में काफ़ी मेहनत लगती है, और साथ में आप इसको ब्रश से धो भी नहीं सकते हो, इसका शेप ऐसा है तो, और उसके धागे भी कई बार निकल के गिर जाते हैं। इस मोप की हमने काफ़ी बुराई कर ली फ्रेंड्स, चलिए इसकी अच्छाई देख लेते हैं, मोप को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। सो फ्रेंड्स इस वाले मोप में आप काफ़ी कम क्वांटिटी में पानी का यूज़ कर सकते हैं, साथ ही इसमें स्पिन करना काफ़ी इजी है, आप इसमें से दूसरे कंपार्टमेंट में भी ले जाएंगे तो कहीं भी अटकेगा नहीं, ईजीली इसको आप स्पिन कर सकते हैं, फिर देखिए कितना ईजी है इसको यूज़ करना। साथ ही इसमें व्हील्स लगे हैं जिसकी वजह से ये आगे पीछे भी ईजीली हो जाता है, साथ में ये हैंडल भी दिया हुआ है जिसकी मदद से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं इस तरीके से, कहीं भी ले जा सकते हैं। नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रेनेज के लिए दिया हुआ है, इसको खोलेंगे तो आपका गंदा पानी जो भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं निकाल के। अब इनके प्राइस की बात कर लें फ्रेंड्स, तो ये 800 से लेकर 2000 के रुपीज़ के अंडर आपको मिल जाएंगे कहीं भी, और ऑनलाइन अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो इन दोनों में आपको कौन सा ठीक लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, मुझे तो दोनों ही ठीक लगते हैं, दोनों के अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं, बट मैं दोनों को यूज़ करती हूँ। और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।